Hi everyone, this is Shivangi Desai, health and nutrition coach. एक अनटोल्ड सीक्रेट ऐसा है जो आपकी हेल्थ को टोटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है. आप बेली फैट भी कम करना चाहते हैं, वजन कम करना चाहते हैं, डायबिटीज, आर्थराइटिस, पीसीओडी, ब्लड प्रेशर से दूर आना चाहते हैं ना, दिस इज द सीक्रेट जो आपके बॉडी को टोटली और अंदर से अच्छी तरह से हील कर सकता है, ना कि सिर्फ टेम्पररी बेसिस पर. जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा. नाउ सी, अगर मैं आपको पूछूं कि आपकी हेल्थ को सबसे ज्यादा क्या असर करता है, आप कहेंगे शायद डाइट. ओके, मुझे बताइए आप डाइट पूरे दिन में, मतलब आप खाना कितनी बार खाते हैं पूरे दिन में? शायद 2 बार, 5 बार, 6 बार, यानी कि वो आपको 6 बार असर करने वाला है. आप कहेंगे एक्सरसाइज असर करता है आपकी हेल्थ को. मुझे बताइए एक्सरसाइज आप दिन में कितनी बार करते हैं? 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो वो मैक्सिमम 3 बार असर करता है आपके बॉडी को. आपको पता है, कुछ लोग कहेंगे अल्कोहल, सिगरेट या जो भी एडिक्शन है वो असर करते हैं, वो जो चाय आप लेते रहते हैं सुबह और शाम वो असर करता है आपकी हेल्थ को. तो मुझे बताइए कितनी बार लेते हैं? 1 बार, 2 बार, 10 बार. सो 10 बार असर करता है ना. बट मुझे बताओ, ये सबसे ज्यादा, ये सारी चीजों से भी अगर कोई एक चीज आपको इम्पैक्ट करती है वो क्या है? वो एक चीज है और वो है वो आपके विचार या आपकी भावनाएं, क्योंकि वो 24/7 आपके साथ रहती है, वो आपका पीछा नहीं छोड़ती. भले ही खाना 5 बार, एक्सरसाइज 1 या 2 बार असर करता हो, बट थॉट्स और इमोशंस 24/7 आपको असर करने वाले हैं. और इसीलिए क्या कभी आपने अपने आप को ये सवाल पूछा कि मैंने हर दिन कितना प्रयत्न किया कि मैं अपने अंदर के जो भी विचार मन में चलते हैं, जो भावनाएं चलती रहती है, उसमें मैं बदलाव लाऊं? शायद ही हम उसके बारे में सोचते हैं, क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं देते. खाना हमें दिखता है, वो चाय हमें दिखती है, वो एक्सरसाइज करना हमें दिखता है, बट ये हमें दिखता नहीं है, इसीलिए हम उसे अवॉइड कर लेते हैं, निग्लेक्ट कर लेते हैं. बट देखिए, मैं अगर किसी चीज को इंपॉर्टेंस देना चाहूंगी ना सबसे ज्यादा, तो वो है आपके थॉट्स और इमोशंस. गाइज, अगर जब तक आप उसे चेंज नहीं करेंगे ना, कोई भी इंसान कितना भी डाइटिंग कर लेगा, एक्सरसाइज कर लेगा, वो उतना अपनी हेल्थ को ट्रांसफॉर्म कर ही नहीं सकता है. मैंने इसके ऊपर तो पूरा एक वीडियो बनाया था कि 4 इमोशंस ऐसे कौन से हैं जो आपके शरीर में बीमारियां लाते हैं, उसे जरूर देखिएगा. और नंबर 1 रीजन फॉर एनी डिसीज, वो डायबिटीज हो, आर्थराइटिस हो, पीसीओडी हो, ब्लड प्रेशर हो, वेट हो, ओबीस होना हो, कोई भी बीमारी, इवन कैंसर, जितनी भी लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियां हैं, सबका अगर जड़ देखा जाए ना, या वन ऑफ द मेजर कॉजेस देखा जाए, वो है कहीं ना कहीं स्ट्रेस. स्ट्रेस इज द मेजर रीजन बिहाइंड ऑल द प्रॉब्लम्स. और आज तो प्रूव हो चुका है कि मेजर बीमारियां साइकोसोमेटिक है, मन से शुरू होती है, उसी के बाद शरीर में आती है. और इसीलिए अगर आप अपने आप को एक सवाल पूछे, पूरे दिन में आप कितना स्ट्रेस में रहते हैं, पूरे दिन में आप कितना फियर में रहते हैं, गिल्ट में रहते हैं, ये सोचते रहते हैं कि अच्छा कहाँ खराब है, कहाँ कुछ गलत जा रहा है, और क्या काम बाकी है, व्हाट नेक्स्ट. पूरे दिन में हम कहीं ना कहीं वो हड़बड़ाहट में होते हैं, वो एंग्जाइटी में होते हैं, यू नो, हमारे चेहरे पर ये मुस्कान नहीं रहती है ज्यादातर वक्त, क्योंकि हम बिजी रहते हैं या तो पास्ट में या तो फ्यूचर में. अब देखिए उसका एंटीडोट क्या है. स्ट्रेस या कोई भी नेगेटिव इमोशन आप फील करते हैं, भले ही आप गुस्सा फील करते हैं, आप फियर फील करते हैं, गिल्ट फील करते हैं, जो भी इमोशन नेगेटिव है, उसका अगर एक आसान सा रास्ता मैं आपको दूं, जो ना सिर्फ आपके विचार और भावनाओं में बदलाव ला सकते हैं, बट वो आपके फिजिकल बॉडी में भी ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं, और वो और कुछ नहीं है, वो है जो हमें फ्री में मिलता है, जो हम फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज बीइंग ग्रेटफुल, ग्रेटिट्यूड, आभारी होना, थैंक यू कहना छोटी छोटी चीजों के लिए. ये भले ही मामूली चीज लगती है, बट यू नो वॉट, मैं अगर किसी इंसान को कहूँ कि अगर उसे अपने बॉडी को हील करना है, वजन को कम करना है, और ज्यादा खूबसूरत दिखना है या और यंग दिखना है ना, तो एक सीक्रेट सिंपल सा है, और वो है छोटी छोटी चीजों के लिए आभारी हो जाए. हम उल्टा करते हैं, हम छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान हो जाते हैं, स्ट्रेसफुल हो जाते हैं. अब कैसे ग्रेटिट्यूड आपको हेल्प कर सकता है, उसकी 2 मेन वजह मैं आपको साइंटिफिक वजह देने वाली हूँ. देखिये, सबसे पहले तो नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF के द्वारा प्रूव हो चुका है कि हमारे विचार 80% एक एवरेज इंसान के नेगेटिव होते हैं. 80% विचार मिनिमम नेगेटिव होते हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास एक माइंड में टेप रिकॉर्ड होता, जिसे आप रात को सोते पहले अगर सुन सकते, तो आपको पता चलता कि आप पूरे दिन में जो बोलते हैं, सोचते हैं, उसमें ज्यादातर चीजें नेगेटिव होती है.
और उससे भी ज्यादा प्रूव हुआ था कि ये जो विचार है 80% नेगेटिव, 95% आपके विचार रिपीटेटिव होते हैं, यानी कि वो और कुछ नहीं है, आदत है। आपने एक साल पहले, 10 साल पहले, ज्यादातर एक महीने पहले, एक हफ्ते पहले, एक दिन पहले या आज जो विचार किए वो सारे सिमिलर विचार थे। अगर आपने एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्शियसली क्रिएट नहीं किया होगा तो वो सारे विचार रिपीटेटिव होते हैं, यानी वो हमारी आदत में से आते हैं। इसकी वजह से ही आपने जो कल विचार किए थे, एक साल पहले जो विचार किए थे, वैसा ही बॉडी आपका आज बना है। तो अगर आप सिमिलर टाइप के थॉट्स और इमोशंस रखेंगे तो आपका बॉडी भी सिमिलर टाइप का ही रहने वाला है, उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है। तो अगर आप 10 साल पहले भी ब्लड प्रेशर की दवाइयां लेते थे, वही विचार आज भी रखते हैं, तो कैसे हम आशा रख सकते हैं कि वो दवाइयां ले लेकर हम ठीक हो जाने वाले हैं या सिर्फ डाइट से हम ठीक हो जाने वाले हैं? जब तक विचारों में बदलाव नहीं आएगा तब तक कोई असर नहीं आने वाला है। इसीलिए जब आप आभारी होना शुरू कर देते हैं, पहली चीज जो होती है वो है एक्सेप्टेंस। आप चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही आप देखते हैं इस मोमेंट में किस चीज के लिए मैं आभारी हूँ, ओके, इस मोमेंट में मैं आभारी हूँ कि मैं इस वीडियो को देख सकता हूँ, मैं आभारी हूँ कि मुझे ये सारा नॉलेज मुझे मिल रहा है, मैं आंख इस आंखों के माध्यम से वीडियो को देख सकता हूँ, कान के माध्यम से इस वीडियो को मैं सुन सकता हूँ, आवाज सुन सकता हूँ। कितने लोगों के पास आंखें नहीं है, कान नहीं है, या मोबाइल फोन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, कितनी सारी चीजें हैं। आज हजारों चीजें हैं जिसके लिए हम आभारी हो सकते हैं, बट हमारा प्रिमिटिव माइंड हमेशा क्या कमी है, क्या डेंजर है, क्या अच्छा नहीं है, उसी के ऊपर फोकस करता है। और इसीलिए हम आज या तो पास्ट में जीते हैं या तो फ्यूचर में जीते हैं। जब हम चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते, जब हम ये सोचते हैं काश ये बेहतर हो जाता, तो हम अभी जो कंडीशन है उसे भी खराब कर देते हैं। बिकॉज मानो या ना मानो, उन्होंने जो हमें ये फ्री में फिजिकल बॉडी दिया हुआ है, जिसकी तो वैल्यू हम कर ही नहीं सकते हैं, अनमोल है, उसके लिए हमने कितनी बार एक्सेप्ट किया जैसा बॉडी है उसके लिए? कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते हम। जब भी बाहर देखते हैं, आसपास लोगों को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, या अपनी हेल्थ कंडीशन को ही कंपेयर अपने आप के साथ ही करते थे, अरे यार पहले मेरा ऐसा था और आज ऐसा है, काश पहले की तरह होता। बट गाइस, अगर आज जो आपके पास है उसकी कंप्लेन आप कर रहे हैं 10 साल पहले के साथ, तो आप सोचिए 10 साल के बाद या 5 साल या 1 साल के बाद आप इसकी कंप्लेन करने वाले हैं कि यार काश वो जो समय होता वो वापस आ जाए। एक्सेप्टेंस की जब बात आई है ना, लेट मी टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग। मेरे सामने यहाँ पर इतना ब्यूटीफुल माहौल है, आई एम इन मालदीव्स राइट नाउ। तो मालदीव्स में मेरे सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल समंदर है, और वो समंदर के बारे में हमें एक चीज सीखना बहुत जरूरी है, बट उसके लिए लेट मी जस्ट शो यू दिस ब्यूटीफुल प्लेस। ओके, सो यू कैन सी, ये है मालदीव्स का, सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, और इसे देखकर आपको एक फीलिंग जरूर आएगी और वो है स्ट्रेस फ्री। बिल्कुल आप रिलैक्स्ड फील करते हैं जब भी आप समंदर को देखते हैं। यहाँ पर लाइटिंग की वजह से यू माइट नॉट बी एबल टू सी द रियल ओशन दैट आई एम एबल टू सी हियर, बट आई एम श्योर आपको एक थोड़ा सा अंदाज मिल जाता है जब हम नेचर को देखते हैं, जब हम समंदर को स्पेशली देखते हैं। कभी आपने उसे कॉन्स्टेंटली घूरने की कोशिश की, ओशन को? डू इट समटाइम्स, या सिर्फ पानी लीजिए और पानी को ऑब्जर्व कीजिए। यू नो व्हाट, पानी क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे वेसल में उसे हम डालते हैं वैसा ही वो बन जाता है। समंदर की बात करें तो मुझे कल ऑब्जर्व हुआ था जब हम स्कूबा डाइव भी कर रहे थे, और जब हम वैसे ही समंदर के आसपास वॉक कर रहे थे, आप कोई भी कचरा वहां पर डालेंगे, प्लास्टिक की बॉटल डालेंगे, वेफर का पैकेट डालेंगे, कुछ भी डालेंगे, आपने ऑब्जर्व किया कि वो भले ही आपने अंदर डाला, इवन बीच में डाला समंदर के, तो भी वो किनारे की ओर फेंक देता है। जो उसके काम का नहीं है वो सारा कचरा वो किनारे पर फेंक देता है। इसका मतलब क्या हुआ? जो टॉक्सिक है, जो बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, जो समंदर के लिए अच्छा नहीं है ना, वो फेंक देता है बाहर कि अभी इसकी मुझे जरूरत नहीं है। तो हम अपने दिमाग में कितनी अननेसेसरी चीजें और वो कचरा, पुराना, वो यादें जो हमें अच्छी नहीं लगती है, उसे लेकर घूमते रहते हैं, अपने अंदर समाये रखते हैं, और ये सोचना शुरू कर देते हैं काश ऐसा होता तो, काश मेरे फ्यूचर में ऐसा मुझे मिल जाए तो। बट वाई डू नॉट वी एक्सेप्ट व्हाट द प्रेजेंट इज? अभी जो आपकी कंडीशन है, अभी ऑलरेडी कितनी अच्छी है वो देखिए ना। आप सांसें ले पा रहे हैं, बी ग्रेटफुल फॉर दैट। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, बी ग्रेटफुल फॉर दैट। आपको पता भी नहीं था कि आपका हार्ट इतने सालों से बीट कर रहा है, जिसके लिए आपने कुछ नहीं किया है, वो बिना कोई फीस,
आपके लिए धड़कता रहता है। कभी उसके लिए आपने थैंक यू कहा? क्या आपने जैसे ही सुबह उठे कभी थैंक यू कहा कि मुझे जिंदा रखा? पता भी था आपको कि आप जिंदा रहने वाला है, बट हम उसके बारे में सोचते नहीं है। कब तक नहीं सोचते हैं? तब तक जब तक वहां प्रॉब्लम शुरू ना हो जाए। जैसे ही हमारा नाखून टूट जाता है उसके लिए हमें वैल्यू होना शुरू हो जाती है। आंखों में प्रॉब्लम हुआ, आंखों की वैल्यू हुई। रूट कैनाल हुआ तो दांत की वैल्यू हुई। तब तक हमें समझ में नहीं आता जब तक वो चीज हमसे चुरा ना ले या उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। कल हमने जब स्कूबा डाइव किया और समुन्दर के अंदर की दुनिया जब हमने देखी, काफी फीट हमने अंदर तक स्कूबा डाइव किया था, मछलियों को जब देखा, सी लाइफ को जब हमने देखा, समंदर की दुनिया, और जब हमें अंदर जाकर वो अलग अलग फिश जिनके कलर थे, शार्क, मिनी शार्क, हमने बेबी शार्क्स देखे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सी लाइफ हमने जब देखा, कितने ब्यूटीफुल कलर्स उनको दिए हुए थे भगवान ने। बट क्या सभी सेम थे? नहीं, सभी अलग थे, सभी के कलर्स इतने यूनिक थे। तो वो फिश को कभी आपने इमेजिन किया, कभी ये सोचा कि उसे डायबिटीज हुआ फिश को, कभी आर्थराइटिस हुआ, वो मोटी हो गई फिश? कभी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक्सेप्ट करते हैं वो, कभी कंपेयर नहीं करते कि यार सामने वाली फिश जो बड़ी है मुझे क्यों इतना बड़ा नहीं बनाया, या कोई ये नहीं सोचता कि इसका कलर कितना अच्छा है, ये येलो कलर मुझे मिल जाता तो मैं कितनी खूबसूरत दिखती, या वो कंप्लेन नहीं करते कि क्यों पानी में ही रखते हैं हमें, क्यों हमें कभी भी जमीन पे नहीं रखते, कभी कंप्लेन नहीं किया। दे ऑलवेज एक्सेप्ट। हम ह्यूमंस ही ऐसे एक प्राणी है कि जो हमेशा कंपेयर करते रहते हैं और जो चीजें बुरी है उसी के ऊपर फोकस करना शुरू कर देते हैं। सो ऑलवेज बी ग्रेटफुल। सेकेंड चीज जो आपको ग्रेटिट्यूड देता है और वो है कि वो आपका फोकस चेंज कर देता है। क्या अच्छा नहीं है वहां से क्या अच्छा है उसके ऊपर आप फोकस करना शुरू कर देंगे। आपके लाइफ में, आपके बॉडी में क्या क्या तकलीफें हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या दवाइयां आप ले रहे हैं, फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या फियर है, वो सारी चीजें हटा देता है जैसे ही आप ग्रेटफुल होते हैं, और वो ऐसी चीजों को रिप्लेस कर देता है जो ऑलरेडी आपके पास है। और इसीलिए ग्रेटिट्यूड कैसे डेवलप करना, ये एक आदत है, ये ऐसे ही डेवलप नहीं हो सकती। अभी ये वीडियो को देखकर आपको ऐसा लगेगा यस यस आई है शुड बी ग्रेटफुल, बट यू नो व्हाट, बहुत मुश्किल चीज है, सभी नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए मैं आपको एक बहुत अच्छी गुड न्यूज देना चाहती हूँ। डू यू थिंक कि ग्रेटिट्यूड इज समथिंग कि जो आपको और ज्यादा डेवलप करना चाहिए? यस, राइट, यस, इफ यू थिंक कि यस आपको ग्रेटिट्यूड और ज्यादा डेवलप करने की जरूरत है, और अगर आपको लगता है कि और ज्यादा डेवलप किया जा सकता है जिसकी वजह से ना सिर्फ आपकी हेल्थ इंप्रूव हो बट आपका फाइनेंस, आपका करियर, आपका काम, आपके रिलेशनशिप्स, आपके खुद के साथ का रिश्ता, आपका ओवरऑल लाइफ अबंडेंस में आ जाता है जब आप ग्रेटफुल होते हैं, बिकॉज व्हाट यू फोकस ऑन ग्रोस, सिंपल नियम है। और ऐसा ही एक कोर्स 21 डे का स्नेह सर, जो मेरे गुरु है, स्नेह सर लेकर आए हैं। यस, स्नेह सर के बारे में आपने मेरे मुंह से बहुत तारीफें सुनी हुई है, बिकॉज सिंस लास्ट 24 इयर्स वो सिल्वर जुबली सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके ट्रेनिंग करियर का। 9 साल की उम्र पर वो जब स्टेज पर आए थे तब से लेकर अब तक 25 साल तक उन्होंने 22 लाख लोगों को जीवन को ट्रांसफॉर्म किया है, हेल्थ को ट्रांसफॉर्म किया है, न जाने कितनी हेल्थ को ट्रांसफॉर्म किया है। वो 21 दिन का ग्रेटिट्यूड कोर्स लेकर आए हैं, विच इज अ वीडियो सीरीज जो व्हाट्सएप के ऊपर होने वाला है। यस, इट्स अ व्हाट्सएप कोर्स, तो सभी कर सकते हैं, कोई टाइम का आपको लिमिट नहीं आने वाला है। कोई भी कोई भी कंट्री में है, यू कैन डेफिनेटली रजिस्टर फॉर इट। और नॉर्मली ये जो 21 डेज तक स्नेह सर आपको वीडियोस हर रोज देने वाले हैं, जो 15 फरवरी से शुरू होगा, जिसकी लिंक मैं आपको यहां पर चैट में रख देती हूं ताकि आप उसके लिए रजिस्टर कर सके। बट ये 21 दिनों तक कंटिन्यूअसली आपको स्नेह सर एक वीडियो देने वाले हैं रेगुलरली, 21 वीडियोस कंटिन्यूअसली। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपको एक धक्का मारने वाला इंसान मिल जाएगा कि जो आपको रोज बताए कि कैसे आप आभारी रह सकते हैं, और कुछ ऐसी टेक्निक्स और फॉर्मूलाज देंगे जिसकी वजह से ग्रेटिट्यूड को आप आदत बना सकते हैं, अपने जीवन में कैसे इनबिल्ट कर सकते हैं हमेशा के लिए, वो आप सीखने वाले हैं। कोई भी उम्र के इंसान कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को या लाइफ को या फाइनेंस को अगर इंप्रूव करना चाहते हैं, हाईली रिकमेंड जरूर इस वीडियो को, इस कोर्स को कीजिए। व्हाट्सएप का कोर्स है, सिंपल है। वैसे इसकी वैल्यू 3000 है, बट मैं और स्नेह सर स्पेशली चाहते हैं कि आप ये आदत जो है आसानी से अपने लाइफ में ला सके, इसीलिए इट इज जस्ट फॉर 199 गाइस। एक कॉफी जो आप पीते हैं ना, उससे भी सस्ता, स्टारबक्स की कॉफी से भी सस्ता ये कोर्स है। 199, 200 रुपए का कोर्स है। जरूर आप रजिस्टर कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिंक भी डाला हुआ है
वहाँ पर जाइए, डू रजिस्टर। ऑलरेडी 1000 लोग रजिस्टर कर चुके हैं। मैं नहीं चाहती कि फिट भारत फैमिली मेरा यहाँ पीछे रह जाए और ये आदत को बिल्ड ना कर सके। सो डोंट मिस दिस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, जरूर रजिस्टर कीजिए। थैंक यू गाइस। ओम दत्त, आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है, दैट इज सो अमेजिंग, दैट इज ग्रेट। कोमल पटेल, आपने भी किया है। राजीव, येस यू आर गोइंग टू रजिस्टर, दैट इज ऑसम, ग्रेट। वैशाली, ओके, सो आई कैन सी योर लवली कमेंट्स हियर। अगर आपको ऐसा लगा कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला, ज़रूर इसे शेयर कीजिए। फिट भारत मिशन पेज को अगर आपने लाइक नहीं किया है, ज़रूर लाइक एंड फॉलो कीजिए, ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग आइडियाज़ मिलते रहे। और फिट भारत मिशन का तो एक ही गोल है, और वो है हम ज़्यादा हेल्दी रहे, बिकॉज अगर हेल्थ है तो सब है। ग्रेट।